चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2015 का सेट फर्स्ट। 2015 का सेट फर्स्ट है जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस ऊपर से सीरियल से लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फादर सेड टू मी, व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टुडे। इनडायरेक्ट में करना है, माय फादर सेड टू मी व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टुडे। इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन मार्क है तो आप सेट टू को आज में चेंज करेंगे। यहां पर माय फादर लिखा जाएगा और यहां पर आस्क्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी वैसे ही रहेगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच तो उसी से जोड़ी जाती है, वही लिखा जाएगा। आर को यू की जगह, यू को आर की जगह माना जाएगा सभी में। तो यू मतलब अब यू लिखा जाएगा, अब यू चेंज होकर आएगा तो मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हैं कि तुम, तो तुम से मतलब है मैं, तो यहां हो जाएगा आई। समझ रहे कि नहीं? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जेंडर और नंबर के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर मी का सब्जेक्ट आई होता है तो आई हो जाएगा। इसके बाद में आई के बाद में अब आर का नंबर है तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में कर देंगे। बाज सो वैसे ही, ईगर वैसे ही, टू गो टू पिक्चर वैसे ही, टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से इनडायरेक्ट बनेगा, आपके दो नंबर हो गए। अब दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको भी समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, व्हाट से या हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप सेड को एक्सक्लेम्ड में, ध्यान से समझना, इसी टाइप के एग्जाम में सेंटेंस आने वाले हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। स्पेलिंग आप रट लें, EXCLAIMED, सेड को हमने एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, ही वैसे लिखा जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद में अब देखिए व्हाट चांस, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं जिसमें वर्ब ना दी जाए, व्हाट ए चांस, व्हाट एन आइडिया, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट इट लिखते हैं अपने पास से, ध्यान से समझना, एग्जाम में आ सकता है इट। अब देखिए व्हाट ए चांस का मतलब है क्या, चांस है मतलब इज इसमें हिडन है, इज तो इज यदि हिडन है तो इज को हम जब पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इट वाज। अब आपको पता होगा वाट लिखने का नंबर है तो ए लगाकर ग्रेट लिख देंगे, वाट की जगह क्या लिख देंगे, ग्रेट लिख देंगे, फिर चांस वैसे ही लिख देंगे तो इट वाज अ ग्रेट चांस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, फिर भी यदि आपको ना समझ में आए तो प्लीज आप मुझे बताएं, और निसंदेह आप मुझे बताएं, कमेंट कर दें तो मैं उसका वीडियो सबसे पहले बनाऊंगा जो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो आपने कमेंट किया होगा, आपका कमेंट मेरे सर माथे है। तो चलिए आगे देखते हैं। द डियर बाज कॉट इन द नेट, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। ब्रैकेट में सिंपल लिखा होगा, ये सिंपल सेंटेंस में हमें करना है। अब समझिए जरा बड़े ध्यान से, द डियर बाज कॉट, चोर सॉरी हिरन को पकड़ लिया गया, और ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, टू इसके भाग निकलने की उसने बहुत मेहनत की। अब इस तरह की जहां सीन बने, देखिए वाज और थर्ड फॉर्म है कि नहीं, सब्जेक्ट डियर है और इधर दिया गया ही, मतलब सेम सब्जेक्ट, उसने भागने की मेहनत की किसने, डियर ने, तो ये सब्जेक्ट दोनों जगह सेम हो गई। ऐसी सीन बनी हो दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है तो आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे क्योंकि दोनों जगह एक ही है, जब हम सिंपल करेंगे तो एक ही तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, और बाज और थर्ड फॉर्म जब लगी हो, पैसिव वॉइस हो तो हैविंग बीन, एक्टिव हो हैविंग थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां हैविंग बीन से लिखना हैविंग, समझ, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ये सेंटेंस नहीं रटना है आपको, ये रूल समझना है कि किस तरह से ये बनता है। इस टाइप का कोई दूसरा भी सेंटेंस हो सकता है, हैविंग बीन, बाज थर्ड फॉर्म थी तो बाज हमने हटाया, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग बीन कॉट इन वैसे ही, द वैसे ही, नेट वैसे ही, फिर ही से मतलब है डियर, तो यहां लिख देंगे द, कॉमा लगाकर लिख देंगे द डियर,
स्ट्रगल्ड वैसे ही, हार्ड वैसे ही, ये टू वैसे ही, एस्केप वैसे ही, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट, कॉमा लगाकर लिखें, द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, इस तरह से बनेगा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते, आफ्टर बींग कॉट, ध्यान से सुनना, आफ्टर बींग कॉट, पकड़े जाने के बाद, आफ्टर बींग कॉट इन द नेट, फिर लिखेंगे द डियर, ही से, ही लिखने से क्लियर नहीं होता कि कौन, इसलिए लिखेंगे द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आपको इंग्लिश में किसका वीडियो चाहिए, 10th या 12th में है या 9th में है, तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसी का वीडियो बहुत जल्दी बना कर दूंगा। परचेज द बुक, डू नॉट डिले, कंपाउंड करना है। परचेज द बुक, हिंदी देखिए, परचेज द बुक, किताब को खरीदो, डू नॉट डिले, देर मत करिए। तो क्या करेंगे, परचेज द बुक, ठीक है, एंड डू नॉट डिले, इस तरह से हम इसका कंपाउंड बनाएंगे। परचेज द बुक, किताब खरीदो और देर मत करो, किताब खरीदो और देर ना करो, तो परचेज द बुक एंड डू नॉट डिले, ठीक है, एंड लग गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, इस तरह से बनेगा। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, कॉम्प्लेक्स करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। द किंग टुक शेल्टर, राजा ने शरण ली इन द हर्मिट्स हट, हर्मिट्स संत की कुटिया में, कॉम्प्लेक्स करना है। तो कैसे कॉम्प्लेक्स करेंगे, ये एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, इसी टाइप के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहां पर एक समझ में नहीं आ रहा तो हार्ड और टू एस्केप लिखा, ई एस सी ए पी ई। अब देखिए यहां पर आते हैं, द किंग कैसे बनाएंगे, द किंग समझना, टोक शेल्टर वैसे ही, द किंग टुक शेल्टर इन द हट विच बिलोंग्ड टू हर्मिट, समझना ध्यान से। हाँ देखिए, द किंग टुक शेल्टर, राजा ने शरण ली कहां, इन द हट, ये जो लिखा था हर्मिट्स हट वो हमने लिख दिया इन द हट, उसने हट माने झोपड़ी, झोपड़ी में शरण ली, विच माने जो, बस विच से कॉम्प्लेक्स बनता है, जो बिलोंग्ड माने थी टू हर्मिट, किसी हर्मिट की, इसमें लिखा था राजा ने हर्मिट की झोपड़ी में शरण ली, तो हमने लिख दिया द किंग टुक शेल्टर, राजा ने शेल्टर ली इन द हट झोपड़ी में, विच माने जो बिलोंग्ड माने थी टू हर्मिट, जो हर्मिट की थी, तो यहां पर विच लगाने से आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब देखिए सिंपल, He was poor, but he was respected by all people of his village. ये सिंपल करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, वह गरीब था लेकिन गांव के सभी लोगों के द्वारा उसका सम्मान किया जाता था। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे सिंपल में, देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ, अब बाज की जगह बींग हो जाएगा, बाज की जगह क्या हो जाएगा, बींग, इन स्पाइट ऑफ बींग पुअर, कॉमा लगा देंगे, फिर ये बट, देखिए बट लगता है कंपाउंड में, अगर पूछा जाए ये कैसा सेंटेंस है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो बट तो रहेगा नहीं, कॉमा लगाकर लिखा जाएगा ही बाज रिस्पेक्टेड, ऐसे लिख देंगे रिस्पेक्टेड, पूरा लिख देंगे, फिर बाई All people of his village, पूरा लिख देंगे, in spite of being poor, गरीब होने के बावजूद, in spite of माने होता है के बावजूद, तो गरीब होने के बावजूद he was respected, उसका सम्मान किया जाता था गांव के सभी लोगों के द्वारा, तो in spite of या despite of, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो in spite of being poor he was respected by all his
ऑल पीपल ऑफ हिज विलेज। उम्मीद करता हूँ आपको 2015 के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।